आप लोग देख रहे हैं डेली राउंडअप, और आज का डेली राउंडअप का प्रमुख मुद्दा है जो आज शाम को भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग होनी थी नई दिल्ली में। अब वो मीटिंग खत्म हो चुकी है और उस मीटिंग के अंदर जो बात सामने निकल के आई है उसके अंदर ये आया है कि मीटिंग के अंदर दो मुख्यतः पॉइंट्स के ऊपर बात हुई। पहली की ये कि अमरनाथ यात्रा के बाद कभी भी हो सकता है कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाए, और दूसरी ये बात कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भारतीय जनता पार्टी यूनिट को ये कहा है जम्मू कश्मीर को कि आप लोग जो हैं अपनी तैयारी कर लें इलेक्शंस की। और दूसरी बड़ी चीज़ है सिक्योरिटी के ऊपर बात हुई, लेकिन आर्टिकल 35 और 370 के ऊपर कोई बात नहीं हुई। इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे और क्या कहा वहाँ पर पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना ने मीडिया के साथ बात करते हुए। अब बात करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों की। आज की प्रमुख सुर्खियों की बात करें तो आज दो आतंकवादियों को कश्मीर घाटी के अंदर अनंतनाग इलाके में मार गिराया। इनमें से एक आतंकवादी वो था जिसने CRPF के ऊपर हमला किया था, जिनमें 5 CRPF जवान जो हैं शहीद हो गए थे और एक SHO भी शहीद हो गए थे। इसके साथ साथ आज गुरेज और उड़ी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन किया गया, जिसके बीच में दो इन्फिल्ट्रेटर पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स को भी मार गिराया गया और दो सिविलियंस भी इसके अंदर घायल हैं। देर रात तक ये फायरिंग चलती रही और कल गुरेज इलाके के कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस को भी बंद रखा जाएगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी गई है। अगली खबर की बात करें तो इसके साथ साथ आज सुंदरबनी इलाके में भी पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर का उल्लंघन किया गया, जिसके अंदर नायक कृष्ण लाल शहीद हो गए। इनकी उम्र सिर्फ 34 साल थी और ये रहने वाले अखनूर के खोड़ ब्लॉक के थे। इसके साथ साथ अगर अगली खबर की बात करें तो आज संसद के अंदर राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास कर लिया गया, जिसके बाद आज हमने जम्मू में एक ताहिरा नाम की एक जो बच्ची है जो कि जम्मू के विमेन कॉलेज में पढ़ती है, उन्होंने इस डिसीज़न को वेलकम किया और ये कहा कि ट्रिपल तलाक बिल से जो है मुस्लिम महिलाओं को जो है काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में बारिश भी हुई, जिससे मौसम जो है थोड़ा सा ठंडा ज़रूर रहा। और इसके साथ साथ अगली खबर की बात करें तो गवर्नर महोदय ने भी आज ये साफ कर दिया गया कि र्यूमर्स पे बिलीव ना करें, और कुछ लोग हैं जो र्यूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि इसके ऊपर CBI की जांच होनी चाहिए। अब CBI की जांच क्यों होनी चाहिए, क्राइम ब्रांच भी तो हमारी जम्मू कश्मीर की काफ़ी अच्छे तरीके से हर केस की जांच कर सकती है, जो हमारे यहाँ के नेताओं द्वारा कहा जाता, तो इतने छोटे से मामले में क्यों क्राइम CBI को इतना कहना। CBI के पास तो और बड़े बड़े केस हैं, क्राइम ब्रांच भी ये छोटा सा मामला हल कर सकती है, जिसके ऊपर एक सजेशन है। अब इन खबरों के साथ साथ अब बात करते हैं आज का जो प्रमुख मुद्दा है कि कोर ग्रुप की मीटिंग जो हुई, रविंदर रैना ने जो है मीडिया के साथ बातचीत की है कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद, और रविंदर रैना ने क्या कहा वो मैं आपको सुनवाता हूँ। जाहिर की थी कि सिक्योरिटी मैटर को लेकर जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा सकते, इसलिए श्री अमरनाथ जी की यात्रा के बाद कभी भी चुनावों की अधिसूचना जारी हो सकती है, और जब भी चुनाव आयोग इस पर कोई निर्णय लेगा, जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में भी कहा था कि चुनाव आयोग जब भी चुनावों की घोषणा करेगा हम तैयार हैं, सरकार तैयार है, भारतीय जनता पार्टी। एक बार आप फिर से सुन रहे थे जम्मू कश्मीर में, उन्होंने एक एप्रिहेंशन जाहिर की थी कि सिक्योरिटी मैटर को लेकर जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा सकते, इसलिए श्री अमरनाथ जी की यात्रा के बाद कभी भी चुनावों की अधिसूचना जारी हो सकती है, और जब भी चुनाव आयोग इस पर कोई निर्णय लेगा, जैसे हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में भी कहा था कि चुनाव आयोग जब भी चुनावों की घोषणा करेगा हम तैयार हैं, सरकार तैयार है, भारतीय जनता पार्टी। ये आपने सुना, ये कहना है रविंदर रैना पार्टी प्रधान का कि आज चुनाव की जो है डेट जल्द ही आ सकती है, और चुनाव की डेट जल्द ही जो है अमरनाथ यात्रा के बाद चुनाव की डेट्स की जो है घोषणा की जा सकती है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की मीटिंग के अंदर 35A और 370 के ऊपर बातचीत नहीं हुई, लेकिन 35A और 370 को लेकर कश्मीर के अंदर अभी भी डर उसी तरह का बरकरार है कश्मीर के नेताओं के बीच में, आम लोगों में नहीं, आम लोग तो काफ़ी खुश हैं, कश्मीर के नेताओं के बीच में आज भी डर बरकरार है। भाजपा ने
तो कोई बात नहीं की। अब शायद जो ऑल पार्टी मीटिंग की बात की जा रही थी, महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला साहब को कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए, उसके अंदर उमर अब्दुल्ला ने कहा था पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखेंगे कि वो उसमें क्या बात होती है। तो अब शायद भाजपा का रिएक्शन आ गया है कि भाजपा ने क्या दिया कि 35A और 370 के ऊपर बात नहीं हुई है। तो अब देखते हैं कि अब कल क्या होता है, कल क्या ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है या इसके ऊपर कुछ सिफारिश रखी जाती है। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज कश्मीर के अंदर राजनेताओं के अंदर कुछ ट्विटर के ऊपर शब्दों की जंग देखने को मिली, जिसके अंदर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बीच में काफ़ी सारे ट्वीट्स जो हैं उनके बीच में जो है रीट्वीट्स हुए विद कमेंट्स। उनमें क्या हुआ कि शुरुआत मैडम महबूबा मुफ्ती द्वारा की गई, जिसके अंदर ट्रिपल तलाक की बात की गई और ट्रिपल तलाक के ऊपर ये ट्वीट किया गया, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने उसी ट्वीट को जो है रीट्वीट किया और उसमें एक कमेंट लिखा कि आपके जो MPs हैं वो मिसिंग थे, PDP के MPs मिसिंग थे। उसके बाद फिर महबूबा मुफ्ती ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया विद कमेंट, तो 1999 की बात की, यानी कि 1999 की बात की और सोज साहब का जिक्र किया। तो आज ये आपसी झगड़ा ट्विटर पे चलता रहा। चलिए, जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक वक्त है, राजनेताओं के पास वक्त है, वो ट्विटर के ऊपर आपसी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आम लोगों के जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कभी डिस्कस नहीं होंगे ट्विटर के ऊपर। आम लोगों की प्रॉब्लम जिस तरह से इलेक्शंस की बात की जा रही है, आम लोगों के बीच में जो जो प्रॉब्लम्स हैं, रोड, पानी, सड़कें, इन 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 चीज़ों को ट्विटर के ऊपर बिल्कुल भी उनका जिक्र नहीं होगा। उसके ऊपर ना PDP लड़ेगी, ना BJP लड़ेगी, ना कांग्रेस लड़ेगी, ना NC लड़ेगी, ना पीपल्स कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, ना पीपल्स मूवमेंट लड़ेगी, और जो बाकी एक्टिव लीडर्स हैं वो इसकी इन चीज़ों की बात नहीं करेंगे। हाँ, ट्रिपल तलाक की बात करेंगे, 35A की बात करेंगे, 370 की बात करेंगे, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स की बात करेंगे, डर की बात करेंगे, बारूद की बात करेंगे, आग की बात करेंगे, तिरंगे झंडे को कंधा देने वाले की बात करेंगे, और भी बड़ी सारी बातें करेंगे, डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर ज़रूर बात होगी, लेकिन जो कोर इश्यूज हैं आम लोगों के, उसके ऊपर बात नहीं होगी। कितने दिनों से हॉस्पिटल के अंदर लोग मर रहे हैं, कश्मीर के अंदर 2 प्रेग्नेंट लेडीज़ की मृत्यु हो गई, कश्मीर के अंदर एक और हॉस्पिटल के अंदर इसी तरह का वाकया सामने आया था, जम्मू के अंदर हॉस्पिटल के अंदर कई लोगों की डेथ्स हो जाती है, कईयों को बाहर प्राइवेट CT स्कैन करवाना पड़ता है, कईयों को बाहर अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा जा रहा है। इसके ऊपर कोई राजनेता नहीं बोलेगा, ना जम्मू का, ना कश्मीर का, ना BJP का, ना NC का, ना PDP का, ना कांग्रेस का। इनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ लेना देना है आपसी जो झगड़े हैं, वो चाहे 35A पे हो, वो 370 पे हो, या फिर ट्रिपल तलाक पे हो, इन सब के ऊपर जरूर बहस होती रहेगी। लेकिन आज की जो BJP की एक कोर ग्रुप की मीटिंग होनी थी, उस कोर ग्रुप की मीटिंग के अंदर 370 और 35A की बात नहीं की गई, उसके अंदर इलेक्शंस की बात की गई और यह साफ इशारा दिया गया कि शायद इलेक्शंस जो हैं वो आने वाले अमरनाथ यात्रा की ख़त्म होने के साथ ही अनाउंसमेंट हो सकती है डेट्स की। तो शायद जो 15 अगस्त के बाद का एक डर बैठा हुआ था कि शायद 35A पे कोई बात होगी, तो शायद आने वाली 15 अगस्त के बाद हो सकता है कि इलेक्शंस के ऊपर, इलेक्शंस की डेट्स ज़रूर फाइनल हो जाएं, या फिर ज़रूर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है डेट जो है उसकी बता दे कि कब तक इलेक्शंस होंगे। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हित की बात है, PDP के भी हित की बात है, पैंथर्स पार्टी के भी हित की बात है, कांग्रेस के हित की भी बात है और BJP के भी हित की बात है। अब अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो फिर देखेंगे कि कौन कौन सी पार्टी किस तरह से अपना दमखम दिखाती है और किस किस पार्टी के पास कितने कितने नेता हैं अलग अलग सीटों पर खड़े होने के लिए, और किन किन पार्टियों के कौन कौन से नेता दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, क्या उनको वापस लाया जाता है, या रूठे हुए नेताओं को मनाने की कोशिश की जाती है, या फिर जो अपने अपने नेता हैं उन्हीं से इलेक्शन लड़ी जाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोग देखते रहें JK मीडिया, मैं आपको इसी तरह से हर खबर के साथ अपडेट करता रहूँगा। और हाँ, कोई भी खबर होती है अभद्र लैंग्वेज का उसमें मत यूज़ किया करें, बार बार आपसे अपील है अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अपनी राय रखें, 35A बचाना चाहते हैं वो भी रखें, रिमूव करना चाहते हैं वो भी रखें, बट गलत शब्द ना यूज़ किया करें। देखते रहें JK मीडिया, आशीष कोहली JK मीडिया के लिए, शुभ रात्रि, जय हिंद।